नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A57 2022 वर्सेस Xiaomi Redmi 10 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A57 2022 में 6.44 इंच जबकि Redmi 10 में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A57 2022 में 2.95 इंच जबकि Redmi 10 में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A57 2022 में 0.31 इंच जबकि Redmi 10 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A57 2022 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A57 2022 में 187 ग्राम जबकि Redmi 10 में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A57 2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A57 2022 में 20:9 जबकि Redmi 10 में 20:6:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A57 2022 में 6.56 इंचेस जबकि Redmi 10 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A57 2022 में 720x1612 और Redmi 10 में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A57 2022 में 84.62% जबकि Redmi 10 में 82.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A57 2022 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A57 2022 में पावर GE8320 जबकि Redmi 10 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A57 2022 में MediaTek Helio G35 और Redmi 10 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो A57 2022 में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A57 2022 में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A57 2022 में Android V12 जबकि Redmi 10 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी A57 2022 में 5000 mAh जबकि Redmi 10 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A57 2022 में दो कलर्स जबकि Redmi 10 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A57 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें Redmi 10 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।